महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस ने जेपी नड्डा का पीए बताकर ठगी की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ठग ने बीजेपी विधायक विकास कुंभारे और टेक चंद सावरकर को मंत्रालय दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की डिमांड की थी। दरअसल ठग का नाम नीरज सिंह राठौर है। आरोपी ने विधायकों को महाराष्ट्र के अगले मंत्रिमंडल के विस्तार में मंत्री बनाने का ऑफर देने के बदले में करोड़ों रुपए की मांग की थी। इस दौरान विधायकों को झांसी में लाने के लिए उसने जेपी नड्डा की आवाज से मिलती जुलती आवाज वाले शख्स से बात करवाई थी। दरअसल मध्य नागपुर से बीजेपी विधायक विकास कुंभारे को कुछ दिन पहले नीरज का कॉल आया और उसने कहा कि महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, आपको शहरी विकास मंत्रालय दिया जा सकता है। इस ऑफर के बदले नीरज ने विधायक को करोड़ रुपए की मांग की। मामला गड़बड़ लगते ही विधायक विकास कुंभारे ने पुलिस से शिकायत की। नागपुर के तहसील पुलिस थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया। इसके बाद पुलिस ने ठग नीरज को गुजरात के मोरबी से गिरफ्तार कर लिया। बता दें इतना ही नहीं, आरोपी ने महाराष्ट्र के कुछ अन्य विधायकों को भी मंत्री बनाने का लालच देने के नाम पर ठगी की कोशिश की थी। इस मामले में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विनोद पाटिल ने बताया कि हमें विधायक विकास कुंभारे के पीए द्वारा लिखित शिकायत मिली थी। इसमें कहा गया था कि नीरज सिंह राठौर का विधायक के पास मोबाइल पर 5-6 बार कॉल आया है। उसने कहा कि रुपए भेजो, गुजरात में बड़ा कार्यक्रम करना है। दरअसल इंस्पेक्टर ने आगे बताया कि इसके बाद हमने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच की टीम गुजरात पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसने अन्य विधायकों के साथ भी ठगी की है या नहीं ये जांच के बाद पता चलेगा। हमने आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।